पेट्रोल डीजल व घरेलू गैस की कीमतों में भारी मात्रा पर बढ़ोतरी होने से आम नागरिकों का जीना मुश्किल हुआ है। इस मुद्दे को केंद्र सरकार ने कम करने की मांग को लेकर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वाड़ी शहर शिवसेना ने सांसद कृपाल तुमाने के नेतृत्व में MIDC टी पॉइंट पर रास्ता रोको आंदोलन किया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ शिव सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की। चारों ओर ट्रैफिक कुछ देर के लिए जाम हो गया था। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आंदोलन में शिव सैनिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने के लिए निकालते ही पुलिस हवलदार श्रीनाथ मिश्रा ने पुतला कब्जे में ले लिया। फिर भी शिव सैनिकों ने मोदी के पुतले पर जमकर चप्पल जूते बरसाकर अपना रोष व्यक्त किया। वह सरकार ने जो पेट्रोल डीजल गैस के दामों में वृद्धि की उसका निषेध किया। करीब एक घंटा आंदोलन चलता रहा व मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती रही। आंदोलन में रामटेक क्षेत्र के सांसद कृपाल तुमानी प्रमुखता से उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद कृपाल तुमानी ने कहा कि यह वृद्धि देश के इतिहास में सबसे ज्यादा वृद्धि है। देश में कच्चे माल की कीमत कम होने के बाद भी पेट्रोल 100 रुपए व डीजल 90 का आंकड़ा पार कर रहा है। देश में केवल 45 रुपए लीटर से पेट्रोल मिलना चाहिए, लेकिन एक्साइज ड्यूटी ज्यादा मात्रा पर लगाई जा रही है। पहले जब 25 पैसे दाम बढ़ते थे तब यही भाजपा के नेता आंदोलन करते थे। 0 डिग्री टेम्परेचर पर आंदोलन कर रहे किसानों पर सरकार अनदेखी कर रही है। अब इनके खिलाफ राज्य में शिव सैनिक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का आयोजन शहर प्रमुख मधुमान के पाटिल ने किया। रामटेक क्षेत्र के सांसद कृपाल तुमाने की प्रमुख उपस्थिति में उप जिला प्रमुख दिलीप माथनकर पाटिल, युवा सेना जिलाधिकारी हर्षल काकड़े, हिंगना विधानसभा सह संपर्क कर पाटनी, हिंगना विधानसभा संगठक संतोष केची, तालुका प्रमुख संजय अनासनी, उप तालुका प्रमुख रुपेश झाड़े, हरीश शिरनवार की उपस्थिति रही। वहीं आंदोलन में मदन सिंह राणा, संतोष केशरवानी, किशोर ढगे, विनोद सातिंगे, अमोल कुरटकर, दामोदर जीत, प्रमोद जाधव, भाऊराव रिवतकर, अखिलेश सिंह, राकेश अग्रवाल, विजय मिश्रा, कपिल भलमी, अखिल पोहनकर, सुभाष मानी, सचिन पाटिल, संदीप विधवे, रंजीत सोनसरे, जेम्स फ्रांसिस, भोजराज भोंगवे, शिवम राजे, प्रज्वल अतकरी, मानिक निकोसे, गुलशन गेंडे, चेतन बड़गे, अजय देशमुख, जगदीश पाटिल, अंकित वरहाडकर, नागोराव गोमकर, संतोष हरणे, शैलेश माटुरकर, आदित्य हिबांडे, हितेश टाकोने, गौरव उगले, आदित्य विलोनकर, अजय चौधरी, संदीप उमरेडकर, रवि अजीत, विशाल लोनकर, पीयूष जीवतोड़े, अनिकेत त्रिपाठी, राजदेश भ्रतार के साथ भारी मात्रा पर शिव सैनिक आंदोलन में सहभागी हुए। आंदोलन को निपटने के लिए वाड़ी पुलिस स्टेशन के PI प्रदीप सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में PSI शशिकांत चिपड़े, अविनाश जयभाय, श्रीनाथ मिश्रा, सुनील मस्के ने रास्ता रोको आंदोलन को संभाला। केंद्र सरकार ने किसान सेस के नाम से जो 4 रुपये 32 पैसा और 5 रुपये 32 पैसा का सेस लगाया हुआ है, वो सेस के वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत, गैस की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। भलाई एक्साइज ड्यूटी उन्होंने 4 रुपये रेट कम की, लेकिन उसका असर कितने दिन रहेगा इसकी गारंटी नहीं। सरकार के जनता की मेमोरी है बहुत शॉर्ट रहती है। 2 महीने 3 महीने के बाद में सरकार कहेगी कि जो 32 रुपया एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर में, हमने 28 रुपये किया, लेकिन पीछे के दरवाजे से वो 28 की जगह 32 रुपये फिर से कर देगी। और जैसा ही 32 रुपये फिर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, वैसा पेट्रोल और डीजल के रेट 100 रुपये के पार हो जाएंगे। बघतो आहे की पेट्रोलचे भाव हे 100 रुपयाच्या जवळ जाऊन भिडलेले आहे, डिझेलचे भाव 90 रुपये, जे आज भारताच्या इतिहासातले सर्वाधिक असलेले रेट आहे। परंतु आपल्याला माहिती असेल की ज्या वेळेला 25 पैसे पेट्रोलच्या दरात वाढ होती, वाढ होत होती, त्यावेळेला हेच भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते रस्त्यावरती उतरून फार गोष्टी सांगायचे। परंतु आज जर खऱ्या रूपाने भाव मिळाला पाहिजे, जे 59 रुपये क्रूड ऑइलचा रेट असताना जनतेला या ठिकाणी 45 रुपये लिटरप्रमाणे पेट्रोल मिळाला पाहिजे, परंतु प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये एक्साइज ड्यूटी वगैरे त्याच्यावरती लावून आज जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रकार या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने या देशामध्ये सुरू केलेला आहे। आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी व या माजलेल्या सत्तेच्या मोहामध्ये जी भाजप सरकार आहे, त्यांनी जी अकळ बक्कळ बंबे भो 80-90 पुरे सो ही जी मोहीम पूर्ण देशामध्ये राबवलेली आहे, आणि त्याच्यानी या देशातल्या प्रत्येक युवकाची व गरीब जनतेची जो आर्थिक कणा तुटून राहिला त्याच्या निषेधामध्ये
माननीय उद्धवजी ठाकरे महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख यांच्या आदेशानुसार शिवसेनेच्या प्रत्येक आमदार खासदार नगरसेवक या प्रत्येक पदाधिकारी व सामान्य कार्यकर्ता यांनी राज्यातल्या प्रत्येक लहान मोठ्या शहरामध्ये तिथे प्रत्येकाच्या चौकामध्ये आपल्या बहुसंख्य कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून रस्ता रोकून जो आंदोलनाचा आज पेट्रोल डिझेल आणि गॅस या दरवाढीच्या विरुद्धामध्ये जे आम्ही आज निषेध करत आहोत त्या निषेधामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेने सुद्धा आम्हाला पाठिंबा दिलेला आहे। आजचं हे आंदोलन शिवसेनेनं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या पेट्रोल आणि डिझेल वाढीच्या संदर्भामध्ये या केंद्र सरकारचा निषेध करण्याकरता आज पूर्ण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना आंदोलन करत आहे, रस्त्यावर उतरत आहे। आपल्याला माहीत आहे की आज पेट्रोल गगनाला भिडलेलं आहे। मला वाटते 2-4 दिवसातच कदाचित 100 पार करून शतक ठोकल्यासारखं हे केंद्र सरकार वरती आकाशाकडे पाहून आपले पेट्रोलची बॉटल हालवेल। काही दिवसातच हे पेट्रोल आणि डिझेल 100 शतकाकडे वाटचाल करत आहे। आजच आपण पेपरमध्ये न्यूज बघितली, 25 रुपयानं गॅस सिलेंडर महाग झालेला आहे आणि सबसिडीचं नाव नाही आहे। त्याच्यामुळे या केंद्र सरकारचा निषेध करण्याकरता शिवसेना रस्त्यावर उतरली आहे। कारभार राज्यकारभाराला कंटाळून जनता आज रस्त्यावर उतरते आहे आणि सर्वच प्रकरणात जनता सर्वच बाबतीत जनता इतकी त्रस्त आहे। पेट्रोलचे भाव गगनाला मिळाले आहे, 100 शतक पार झालेलं आहे, स्वयंपाकाचा गॅस इतका वाढला आहे, गृहिणी त्रस्त झालेले आहे, डिझेलचे इतके भाव वाढलेले आहे की सगळे ट्रान्सपोर्टर त्रस्त झालेले आहे। 5 वर्षापूर्वी मोदी सरकारने त्यांच्या मिनिस्टरने ज्या घोषणा दिल्या होत्या सगळं त्याच्या विरोधात हे चालते आहे। आता जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।